Hoi 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 hoi. ओह गई गई, सारी गड्डी खत्म है यार। आज थे कंध सी जड़ी गिरी है। फड़के फड़के चक्के 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 गाइस, मौसम देखो बाहर कितना खराब हो गया है। आंधी आ रही है पूरी तगड़े वाली। ओए होए होए होए, बुरे हाल हो गए। जितनी गर्मी पड़ रही थी ना सारी उड़ गई। आंधी आ रही है पूरी तेज। अरे जाके देखो बाहर कितनी मिट्टी है। एक तो हम घर दे गई थी, यकीन भी नहीं होता है, कहते प्रैंक कर दो होना। लग ये भी कोई प्रैंक होया। डस्टिंग की है क्योंकि अभी ना दो दिन पहले भी आया था तूफान, तो सारा ऊपर खलारा खलारा हो गया था, तो मैंने सुबह आया चकाचक डस्टिंग की। अब दोबारा करनी पड़ेगी कल। मैं निकल कर चाली डिग्री क्या हाल हो रखा है। आओ तो सही, अरे आओ तो सही। कपड़े ये कहाँ से आ रहे हैं कपड़े भाई, ये कहाँ टंगा कहाँ हुआ था ये। मैंने आधुमा घोल के ऊपर टांग देता है सुबह। भाई तू आधुमा कहाँ से आ रहा है। मिट्टी है, मिट्टी धुआं नहीं है। बाहर लाइट भी नहीं है ना। नहीं है, छत पे नहीं, मिट्टी बहुत है। खोल के तो देख, गेट गेट खोल, गेट खोल। देखो मेरा गेट फट गया। वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। ये वैसे भी चेंज करवाने वाली पड़ी है। मम्मा बहुत बुरा तूफान आ रहा, बहुत ज्यादा गंदे वाली आंधी। मजाक की बात नहीं, गेट फट गया। तो अभी गाइस ये ना सारा देख सकते हो आप कि तूफान इतनी तेज आया ना, ये यहाँ से टूट के ना खराब हो गया, तो इसको ना जोड़ना पड़ेगा दोबारा। अभी अगर ना जोड़ी ना तो सारी फट जाएगी यार। बहुत दूर सीधी मुंह में बज रही है लोगो। क्या हो रहा भाई, तेज तूफान आंधी आ रही। बस फील आ रहा है जैसे हम मतलब बहुत वो कर रहे हैं एडवेंचर टाइप की। डुबो देखो तो कैसे लग रहे हो डुबो आप यार, मस्त फनी लग रहे हो यार। ये देखो हमारे घर के बाहर ट्रैफिक, कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है और एक अंधेरा हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया। इतनी टी 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 टीवी में देखा था, पूरा काला हो गया, पूरा एकदम से ही सब कुछ अंधेरा अंधेरा। देसी जुगाड़ हो गया, अब थोड़ी हिलेगी नहीं। चलो इतना तो जुगाड़ हुआ, बिजली कड़क रही है गाइस। अभी देखना ये लो, एक टेंशन हुआ। तो गाइस बारिश रुक गई थी तो हम लोग छत पे ही आ गए। छत पे इतनी मस्त हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी है ना मम्मा, भाई मजे आ रहे हैं। रब एसी है, सही बात है, नेचुरल एसी चल रहा है 16 नंबर में, भाई मस्त कूलिंग हो रही है। 16 नहीं, 16 नंबर। बारिश रुक गई नहीं तो ना ऊपर नहीं आया। तीनों बुला लो, बारिश है अभी बहुत गर्मी थी थोड़ी देर पहले, अभी हवा चल रही है। गई भारी नुकसान हो गया है, दीवार गिर गई गाड़ी पे। हाँ बोले यार, जा यार। शीशा बच गया, शीशा। ओए होए यार आ गई, बैक शीशा गया। ये देखो भाई सारी दीवार गई। आज थे कंध सी जड़ी गिरी है, सारी गड्डी खत्म है यार। तो सारी खत्म।
एक मिनट एक मिनट साइड वाला शीशा भी गया कि बच गया सन रू बच जाना ध्यान यार टच ना मार लो हाथ च गड्डी चाबी कित्थे यार सट ना लगवाली ध्यान ना तो गाइज अभी जो आपने व्लॉग देखा है वो कल रात का है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। सबसे पहले तो यार मैं टाटा कंपनी को थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज़ जिस हिसाब से ये कांड हुआ है, इंसिडेंट हुआ है ना, ये अगर कोई और गाड़ी होती तो 101% बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी थी, जितनी ये बची है ना ये भी नहीं बचनी थी। तो सबसे पहले यार दिल से थैंक यू टाटा को इतनी सॉलिड गाड़ी बनाने के लिए। और दूसरे नंबर पे हुआ ये कि कल इतना ज़्यादा तूफान आ रहा था, आप सबको पता ही है, और हम तो यार सही बताएं अपना राजी खुशी नॉर्मल डेज़ की तरह अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे। अचानक से कब कुछ विपता पड़ जाए पता नहीं लगता। जैसे ही हमें गली से आवाज़ आई कि आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई, ऐसे दीवार गिर गई गाड़ी पे ऐसे करके हमें किसी ने बताया, भाई मेरे को लगा पहले कोई मजाक कर रहा होगा। जब तक मैंने आंखों से देखा नहीं ना, मैं गेट खोलते तक मेरे को ऐसा था कि मजाक कर रहा होगा मेरा दोस्त, लेकिन नहीं, जब मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। दीवार गिर गई, वो भी पक्की दीवार गिर गई, इतना तेज तूफान था, मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैं उस वक्त बस कुछ बोल ही नहीं पा रहा था यार, क्योंकि ना चीज़ हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, इतनी मेहनत से जब चीज़ बनाई होती है ना तो बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा। सही बात बताऊँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर ना ऐसे होता, हाँ अंदर करते बाहर या आप अंदर गाड़ी लगा रहे, हाँ यही सोच रहे हैं हम लोग, गाड़ी के ऊपर दीवार आ जाती फिर हम क्या करते। हम यही पॉजिटिव सोच रहे हैं कि कहीं हम गए होते या मैं अंदर कर रहा होता गाड़ी, और फिर हम अंदर होते तो जानी नुकसान ज़्यादा होना था। चलो गाड़ी का तो क्लेम मिल जाएगा, पर नुकसान तो नुकसान है, क्लेम चाहे मिल जाएगा, गाड़ी की वैल्यू तो कम होगी होगी, बट चलो ये है कि टचवुड भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी बंदे को इंसान को नुकसान नहीं हुआ, ये है बस, और कुछ नहीं है। बाकी कल रात से मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है हमारी पूरी फैमिली का यार, ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने, इतनी खुशी खुशी से गाड़ी ली थी ना। आज आएंगे इंश्योरेंस वाले सर्वे करने के लिए, देखते हैं बाकी क्या है क्या नहीं, क्या सीन पड़ता है, क्लेम तो मिल जाएगा, मैंने फ़ोटो वीडियोस बना ली थी साथ ही साथ, तो अभी आएंगे तो देखते हैं मिल जाए यार, क्लेम तो मिल ही जाएगा। और दूसरे नंबर पर बहुत दिमाग खराब हो गया गाइस रात से, सच्ची बताया अगर, हम तो इतना वो क्या पता था यार, हम बात यही कर रहे थे ऊपर कि मैं कहा तूफान आता है ऐसा होता है आधु बोल के बोल रहे, ये तो मैंने पहली बार तूफान देखा इतना गंदा तूफान आता है, मतलब कल तो कुछ ज्यादा ही अजीब ही हो गया कल, पता नहीं। पर चलो मैं तो बार बार यही बोलती किसी को कुछ नहीं, भाई पक्की दीवार गिर गई, पक्की दीवार, ऐसा भी नहीं कि दीवार कच्ची हो बंदा मान लेता है, पक्की दीवार, सीमेंटेड दीवार। चलो इतनी जब मेहनत से चीज बनाते हैं ना तो बहुत दुख लगता है यार, कैसे कैसे अभी तो मैंने दिन में देखी नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है गाइस जाने की,
कि मैं वहाँ जाके, क्योंकि रात को इतना पता नहीं लगता ना कि कितना नुकसान हुआ है। मोटा मोटा नुकसान तो देख लिया रात को, लेकिन दिन में पता लगेगा कितनी कितना कितना बारीक बारीक नुकसान हुआ है। पर यार डू सही बताऊं, क्या पता कुछ होना पूरा वही टल गया, यही सोच रहा हूं, यही बात सोच रहा हूं। पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, गाड़ी देखने को अभी भी। मैं रात को जब गाड़ी मैंने देखी ना, जैसे आधी दीवार गिरी हुई थी, इतनी इतनी स्लैब्स गिरी हुई थी, मेरे को कुछ हो रहा था, ये क्या हो गया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। चल कोई नहीं।